हाई एवरी वन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चार टिप्स बताना चाहूँगा आपको, जो कि आप अपने एग्जाम्स में फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर्स लिखते टाइम। एंड अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो ये टिप्स हैं ये आपके स्टडीज में भी हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी बताऊंगा, और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। दिस इज समथिंग व्हिच यू विल लर्न, और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा गाइस। सिर्फ ऐसा नहीं कि टिप्स आपको दे दूंगा और आपको बताऊंगा नहीं कि ऐसे कैसे करना है। आप वीडियो पेशेंस के साथ देखिए, अटेंशन के साथ देखिए, अगले 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको आप फॉलो करेंगे रिलीजियसली, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम्स इवन। ठीक है, प्रिपरेशन कितने भी दिन की कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा उनको फॉलो कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको पहले एग्जाम्पल ही दूंगा, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे आपको करना है अटेम्प्ट पेपर में, दिस इज समथिंग विच आई विल एक्सप्लेन यू। उससे कम मार्क्स के, फिर चाहे वो 10 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, या फिर 12 मार्क्स में आए, 8 मार्क्स में, डजंट मैटर। नंबर ऑफ पेजेस आई लेट यू नो, जिसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा उनको। बट एक एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स फेच कर रहा है खुद में, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो गाइस 20 मार्क्स का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में थ्योरी बेस्ड, तो आपको लगभग 6 से 7 पेजेस फिल करने होंगे। ठीक है, अब 6 से 7 पेजेस फिल करना इज नॉट एन ईजी टास्क। इफ यू नो द टॉपिक बेटर देन ओनली यू कैन डू इट। तो किस तरीके से कम नॉलेज में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह प्रेजेंट करके अपने आंसर को लिख सकते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो हैंडमेड आपका आंसर है यहाँ पे, अपना खुद मैंने यहाँ पर आपका आंसर मेंशन किया है अपने हाथों से लिखकर। तो प्लीज देखिएगा, हर पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। तो पहले मैं अभी आपको आंसर दिखाता हूँ, उससे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन है, Describe the legal provisions aimed at controlling and preventing environmental pollution. तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा तो आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए कितने मार्क्स का है वो, ताकि आपके नंबर ऑफ पेजेस आप डिफाइन कर सकें। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक पूछा गया है जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, कि किस तरीके से आप उनको कंट्रोल करेंगे या उसको प्रिवेंट करेंगे, और जो लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं कंट्री में उनका पर्पस क्या है, किस तरीके से जो ये लीगल प्रोविजंस है ये आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, और अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो MCO 4 का ये क्वेश्चन है। अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है? तो अभी मैं आंसर का जो स्लाइड है वो लेकर आता हूँ। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपना आंसर लिखेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए इसका अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पर हम आंसर के साथ में लिखेंगे नंबर 1, ताकि जो एग्जामिनर हमारे आंसर्स को चेक करे उसको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। एंड नंबर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग पर फोकस कीजिए, पॉइंट्स को देखिए कि जो अंडरलाइन किए गए हैं पॉइंट्स वो किस तरीके से किए गए हैं, तो ये सारी चीज देखिए। और ये देखिए डायग्राम्स पे, देखिए डायग्राम्स भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो एग्जाम है और जो आंसर आप लिखेंगे उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो दैट इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस मेजरली ऑन। डायग्राम्स बनाने हैं, तो अभी देख लीजिए ये है आपका आधे पेज का आंसर हुआ है, अभी ये अगला पेज आ चुका है स्क्रीन पर आपके। तो आप देख सकते हैं सेकंड आपका जो ये स्लाइड है आपके स्क्रीन पर आ चुकी है आंसर की। तो डायग्राम्स हमने बनाए हैं,
और बेसिकली देख लीजिए यहाँ से हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट भी हो रहा है। तो सबसे पहले हमने बेसिकली क्या दिया, अगर हम बात करें प्रीवियस पेज की, तो यहाँ पर हमने अपने आंसर का इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर हमने कोई आंसर जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट नहीं करे, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स में, इनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मेंशन कराया। ओके, उसके बाद हमने एक डायग्राम इंक्लूड करा। डायग्राम, अब यहाँ पर डायग्राम क्यों इंक्लूड करा, पहली चीज तो आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, एंड सेकेंड थिंग वाई यू नो डिड आई यूज द डायग्राम, आई यूज द डायग्राम बिकॉज 6 पेजेस लिखने के लिए इतना पॉइंट्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, मान के चलते हैं। तो आई एम यूजिंग डायग्राम। अब डायग्राम से होगा जितना हो सकेगा ज्यादा स्पेस कवर अप करने की कोशिश करेंगे, डायग्राम से प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा और अपने पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना, पॉइंट के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर हमने देखा जो लीगल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं अगर वो कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी कंपनी पोल्यूशन करेगी तो दिस इज वॉट एनवायरमेंटल पोल्यूशन लेजिस्लेशन आर ऑल अबाउट। सो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हमें सबसे पहले आंसर लिखते टाइम पर इंट्रोडक्शन रखना है, डायग्राम्स बनाने हैं, प्लस हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग की जरूरत नहीं है, आपको अपने एग्जाम में सिर्फ ऐसा हैंड राइटिंग रखना है कि जो टीचर है उसको समझ में आए, स्पेस दीजिएगा और हर एक अल्फाबेट क्लियर होना चाहिए, अंडरलाइन करना है। तो देखते जाइए बस किस तरीके से आंसर मेंशन है। यहाँ पर देखिए पॉइंटर्स आपके किस तरीके से मेंशन है, जितना भी हो, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इनिशियली जब अपना आंसर स्टार्ट करे तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करना, ये आपका पर्पज है। एंड वही अप्लाई करेगा इनिशियली जब आप अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है आंसर का वो क्रिएट हो चुका है। अब नाउ आगे चलते हैं, अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। तो हमारा जो फर्स्ट लेजिस्लेशन था या लीगल प्रोविजन था जो कि था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली। अगर आप हाइलाइटर ले जाते हैं एग्जाम में तो हाइलाइटर का यूज कर लीजिएगा, नहीं तो बेसिकली आपका क्या है, आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा और ब्लू पेन लेके जाइएगा। तो ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट दीज हेडिंग्स, हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब अपना आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर लिखते टाइम पे क्या करना है, बेसिकली जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा, पॉइंट्स में हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन का गैप आपको छोड़ना है। देखिए हमारा बेसिक पर्पस है कि टू द पॉइंट आंसर रहे और स्पेस भी हमारी जो हो मैक्सिमम कवर अप हो। अब देख लीजिए मैंने साथ के साथ नहीं लिखा, आई जस्ट यू नो डिड इट सेपरेटली। तो इस तरीके से आप भी अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी गैप भी कवर हो जाएगी और आपका आंसर प्रेजेंटेबल भी लगेगा और हैंडराइटिंग नीट भी लगेगी। नाउ नेक्स्ट पेज आ चुका है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पर अगेन डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं। तो जितना हमें लगेगा कि कोई पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और वो उस आंसर को डिफाइन करने में डायग्राम के थ्रू काफी हेल्प कर सकता है तो यूज डायग्राम। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की, तो इसमें सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही कवर नहीं होता, इसमें आपका लैंड पोल्यूशन भी कवर होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो वी विल मेक अ डायग्राम अलॉन्ग विद द पॉइंट। तो पॉइंट ऊपर है वो मिस हो सकता है अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन डायग्राम बनाया तो ये मिस नहीं होगा, टीचर की नजरें जरूर पड़ेंगी इस पॉइंट पर। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग दो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए थे, और सबसे पहला था सीपीसीबी जिसका नाम था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड सेकंड वन वाज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए डायग्राम के थ्रू आप खुद देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पेस हम कवर अप कर पा रहे हैं। ज्यादा लिखने का मतलब है आपके है यू नो पेजेस तो भर लेंगे लेकिन हाथ भी थक जाएगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। तो डायग्राम से देखिए स्पेस कवर अप हो रही है, कम लिखना पड़ रहा है आपको, प्रेजेंटेबल हो जा रहा है, तो कितने आपके पर्पजेस मीट हो रहे हैं। और डायग्राम्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अपने उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज चाहिए और जो पॉइंट लिख रहे हैं उसकी क्लैरिटी चाहिए आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज आ चुका है। तो जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है इसमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वैसे तो सेक्शन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं बट तीन जो मेजर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन में या आप अपने आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको ही आपको इंक्लूड करना है, ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, टू द पॉइंट लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अगेन एक डायग्राम यहाँ पे यूज कर लिया ताकि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम बता सकें और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे।
तो देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बताया कि एक्चुअली इस सेक्शन में है क्या इंक्लूडेड, और उसके बाद में फिर हमने डायग्राम यूज करा। तो चलिए डायग्राम के लिए नेक्स्ट पेज। सो डायग्राम आपके देखिए स्क्रीन पर आ गया, ये रहा हमारा डायग्राम सेक्शन 17 का। तो इस तरह के डायग्राम्स आप बनाइए। आप देखिए डायग्राम से कितनी सारी स्पेस कवर अप हो रही है, प्लस प्रेजेंट टेबल लग रहा है। और ये जो डायग्राम्स आप बनाएंगे, मेक श्योर कि जो आपके ये पॉइंट्स हैं, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस तरह की जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी रखनी है कि ऐसा नहीं है हॉच पॉच ना हो जाए। क्लैरिटी नहीं होगी तो टीचर को समझ में नहीं आएगा, देन यू विल नॉट बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। अगला देखिए सेक्शन यहाँ पर मेंशन है, अगेन डायग्राम स्पेस कम थी फिर भी हमने बना दिया। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है क्रिमिनल है जो कि कह रहा है आई विल पुट पॉइजन इन वेल एंड किल पीपल। यहाँ पर पुलिस आ गई, उन्होंने फाइन लगाया, जेल में डाल दिया, 6 महीने से 6 साल तक की जेल होगी अब इसको। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड्स तो आप लिख ही रहे हैं, बेसिकली डायग्राम्स आपका और उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे और एंश्योर करेंगे कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो गाइज कैसी लग रहे हैं ये पॉइंट्स आप बताइएगा, आपको अच्छे लगे तो। नेक्स्ट पेज आ चुका है, सेक्शन 25 यहाँ पर मेंशन है। और आपका देखिए हमने जितना पॉइंट लिखना था, सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपका डाला है, एंड बेसिकली जो भी पर्पस होगा फर्दर हमने डायग्राम के थ्रू ही कवर अप करा है। ओके तो देख लीजिए एक ही आंसर में कितने सारे डायग्राम्स इंक्लूडेड हैं। इस तरह के डायग्राम्स अगर आपने अभी तक पेपर दिए हैं और बनाए हैं तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। और अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में और आपके यू नो एक्सप्लेनेशन में जरूर कुछ ना कुछ मिस था, इसलिए मार्क्स आपने अच्छे ऑप्टेन नहीं करे। तो अभी जो ये पॉइंट्स हैं इनको फोकस में रखिएगा और इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा अपना एग्जाम, एंड आई एम श्योर कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बाकी मैं समराइज जरूर करूंगा, देख लीजिए अभी पॉइंट्स को। तो आगे अपना सेकेंड पॉइंट आ चुका है, अगेन जैसा मैंने बोला आपको कि आप चाहें तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हाईलाइटर लेके जा सकते हैं, येलो कलर का यू कैन यूज इट फॉर हेडिंग पर्पज, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए, हर पॉइंट में नहीं आपको यूज करना। ओके तो यहाँ पर हमने अगेन जितना डायग्राम बनना था हमने यहाँ पर यूज करा। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट के बाद आप डायग्राम लिखेंगे, तो मेन मेन पॉइंट के साथ ही डायग्राम आपको यूज करना है। स्पेस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेस देते रहिएगा। सो नाउ नेक्स्ट पेज आ चुका है, आप देख लीजिए इस पेज में जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे, सिर्फ हमने पॉइंट्स लिखे बेसिकली यहाँ पर, हमने और कुछ नहीं करा। तो ये हमारा नेक्स्ट है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ब्लैक पेन के साथ में, यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप ब्लू की जगह ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लाइन छोड़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं इस चीज को, तो ऑलरेडी हमारा ये डिफाइन करेगा अगर आप ब्लैक पेन नहीं यूज करते तो भी। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, एंड नेक्स्ट पेज आ चुका है। तो देखिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बेसिकली क्या है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो डायग्राम से कितना इजी हो जाता है समझना आपके लिए भी, और फिर एग्जामिनर को चेक करते टाइम भी लगेगा कि कॉन्सेप्ट पे बहुत क्लैरिटी है आपकी, तो वो आपका डायग्राम पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकता है, और हो सकता है कि बिना पॉइंट्स पढ़े आपको फिर मार्क्स मिल जाए, तो आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हैं। तो देख लीजिए आगे का आ चुका है यहाँ पे पेज। तो आगे यू नो लीगल प्रोविजंस में भी आपके फर्दर रूल्स जो थे हमने इनिशियली पहले डायग्राम में देखे थे, आपने नोटिस किया हो तो। जो दूसरा हमने डायग्राम इंक्लूड किया था तो उसमें हमने थर्ड पॉइंट के साथ में कुछ चीजें इंक्लूड करी थी। यहाँ पे देखिए ये रूल्स थे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, हैजार्डस वेस्टेज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, मोटर व्हीकल रूल्स 1989। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको भी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 पेज है बेसिकली हमारा। तो मैंने कोशिश यही करी है कि 6 पेज के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ शीट्स होंगी वो लिमिटेड होंगी आपके पास, आपको सिर्फ एक ही आंसर शीट मिलेगी जिसमें समवेयर अराउंड 32 पेजेस होंगे जो कि आपको फिल करना है, इसके अलावा आपको सेपरेट शीट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करे, जो टू द पॉइंट थे, अब ये इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, जो पॉइंट्स थे हमने ऊपर वाले एक्सप्लेन कर दिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। यहाँ पर सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्रक्स पॉइंट लिखे कि क्यों बना, क्या करना है, क्या पर्पज है, कौन इसको बेसिकली एनफोर्स कर रहा है, तो ये पॉइंट्स हमने लिखे। सेम आपके यू नो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल में है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल में क्या क्या है आपका। यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पॉलिटेंट्स के हैं उनको सेट किया गया है, एम होता है कि जितने भी हो सके स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं और जो कि सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर सके, फॉलो करा सके। नेक्स्ट इज हैजार्डस वेस्ट इज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। तो यहाँ पर हमने अपने पॉइंट्स लिखे और फिर एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पे भी कर दिया। तो थोड़ा सा ब्रेन का यूज कीजिएगा, वहां पर आपका बन जाएगा।
देखिए डायग्राम इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है, देखने के लिए तो ओके है ना। तो स्पेस कवर अप करना हमारा बेसिक पर्पस है डायग्राम्स के थ्रू, दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू यू नो फॉलो हियर। तो गाइज ये थे सारे पॉइंट्स एंड आई एम श्योर कि आपने समझ लिए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी समराइज करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो कौन कौन सी चार इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, दैट कैन एंश्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम्स। तो सबसे पहली जो टिप है वो है फोकस ऑन क्वेश्चन आस्क। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपने ये समझ लिया क्या पूछा गया है, देन यू कैन राइट योर आंसर प्रिटी इजीली एंड प्रिटी नाइसली। नाउ सेकेंड इज फोकस ऑन आंसर कंटेंट। अब जो आंसर लिखेंगे उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 मिनट दीजिए क्वेश्चन पढ़ने में और बाकी के 3 मिनट स्पेंड कीजिए अपना आंसर का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको। एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो आंसर लिखेंगे दैट शुड बी टू द पॉइंट, और उसके लिए आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करना है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट के ही मार्क्स मिलेंगे। एक्चुअली प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपने उसमें अपना आंसर गलत लिखा है या पॉइंट टू द पॉइंट नहीं लिखा, तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन हैंड राइटिंग। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड कि हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए लेजिबल हो कि पढ़ सके एग्जामिनर आपके आंसर को और आपके पॉइंट्स को समझ सके। ठीक है, जितना हो सके नीट एंड क्लीन लिखिएगा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर फोर। अब आपने क्वेश्चन समझ लिया, अब आपको आंसर का कंटेंट तैयार करना है, यानी टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और उस टू द पॉइंट आंसर में जितना हो सकेगा आपको यूज करने हैं डायग्राम्स के, एग्जाम्पल्स के, अगर आपके पास एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो कुछ एग्जाम्पल अपना डेली लाइफ के बेसिस पर क्रिएट कर लीजिएगा, और हो सके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, तो ये चार थे हमारे पॉइंट्स। अभी अंडरलाइन करने का क्या पॉइंट है एक बार समझ लीजिएगा, कैसे है क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट कि अंडरलाइन हमें क्या करना है। तो हेडिंग्स वगैरह को तो हम अंडरलाइन करेंगे ही, साथ में कुछ और पॉइंट्स आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने पॉइंट स्टार्ट करा। ठीक है, अब ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है। तो जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्टिकुलर आंसर को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है, चाहे आपके 3 या 4 फ्रेजेस भी हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक वर्ड हो, अगर वो अच्छे से डिफाइन कर रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर का थोड़ा अटेंशन जाएगा इस चीज पे। अब आप देखेंगे जो एंटायर पर्पज है मेरा इस पर्टिकुलर स्लाइड में, अंडरलाइन मैंने कुछ पॉइंट्स किए हैं, आप खुद पढ़िए तो आपको जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं उन पर आपका अटेंशन अच्छे से जाएगा और आप उन पॉइंट्स को पढ़ोगे भी अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो पॉइंटर्स डाले हैं और इन पॉइंटर्स को भी अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से आप करिएगा एग्जाम्स में, सबसे पहले अपना पूरा आंसर कर लीजिएगा, और उसके बाद में एक बार आप यू नो जब आप अपने आंसर को पढ़ें दोबारा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन से पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि कम से कम टाइम स्पेंड करें और अच्छे से अच्छा आंसर लिखें, और एट दी एंड में अपना 15 मिनट बचा लीजिएगा। 15 मिनट यू हैव टू सेव सो दैट यू कैन री रीड योर आंसर्स विच यू आर राइटिंग, वो आप अंडरलाइन के लिए बेसिकली यूज कीजिएगा। और अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद आ जाए, तो स्पेस तो आपने छोड़ी होती है, तो स्पेस का यूटिलाइज करके आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में, और फॉलो कीजिएगा टिप, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आपके एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।